हेलो फ्रेंड्स, मेरे नाम से आमिर, आप देख हमारे सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मेरे नाम से आमिर, आप देख रहे हमारे सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फाइनली हम सब आ रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैन गेम के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास है टाउन हॉल 11। साथ ही साथ अगर आप सब वार क्लैन खोज रहे हो एक बढ़िया वार क्लैन, तो हमारे क्लैन में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो हम सभी का टीम में वार चल रहा है और इंडियन वॉरियर क्लैन का नाम है और टाइटन किंग से अटैक हो रहा है, वर्सेस हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों का टीम ने देखो 33 स्टार आराम से निकाल चुका है। बाकी अभी भी हमारे टीम का बहुत सारा अटैक बचा हुआ है और बाकी इनमी टीम ने अभी तक हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया है। बहुत ही कमाल का अटैक होने वाला है। अगर आप सब क्लैन में ज्वाइन होना चाहते हो तो फटाफट आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लैन आईडी, दिख रहा होगा आप सब इस क्लैन आईडी से ज्वाइन कर सकते हो क्लैन में। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास यार लेवल 49 का क्वीन है। तो चलो इसको अपडेट करके देखते हैं, क्योंकि सोचे चलो आप सबके सामने अपडेट करना चाहिए। और यहाँ पे 1,32,000 रुपया यार डॉट के लीजिए लग रहा है। फिनिश नौ करने वाले देख सकते हो यार, फिनिश नौ। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास बुक ऑफ बिल्डर 49 लेवल पर जैसे ही लगा है, चलो यार फिनिश नौ पे क्लिक करते हैं और बूम गाइस, फाइनली देख सकते हो हमारा क्वीन हो चुका है 50 लेवल का। ओ भाई साहब, 50 लेवल का क्वीन हो चुका है फाइनली यार। हाफ सेंचुरी हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिए हैं। आप सब बताओ आप लोगों का क्वीन कितने लेवल का है और कितने लेवल का बारबेरियन किंग है और टाउन हॉल कितना है, बाकी मैंने आपको बताया। अगर आप सब हमारे क्लैन में ज्वाइन होना चाहते हो ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे चलो मैं आपको कुछ वार बेस दिखाता हूँ, बहुत ही तगड़ा वाला वार बेस। अगर आप सभी का टाउन हॉल 11 है तो बहुत ही तगड़ा वार बेस आप सब बना सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये है बहुत ही बढ़िया वार बेस। अगर आप सभी के पास टाउन हॉल 11 है तो गाइस देख सकते हो ये है टाउन हॉल का यार फोटो देख सकते हो। और इसके अंदर देख सकते हो बम वगैरह कहाँ लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, ये मेरा है और मैंने खुद से क्रिएट किया। अगर आप सभी को भी करना है तो कर सकते हो। और आप सभी को इस तरह का डिज़ाइन ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगा, बाकी इस तरीके का आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का बेस लग रहा है देखने में। यहाँ पर देख सकते हो ईगल आर्टरी वगैरह भी है और पूरा देख सकते हो दोनों साइड से 3-3 हीलर को छोड़ दिया गया है, उसके पीछे 3-3 हीलर को छोड़ दिया गया है। और हीलर क्या करेगा, विचर के ऊपर हील करेगा, उसके बाद जो स्केलेटन होता है वो काफ़ी तेज़ी से वो डैमेज करेगा। यहाँ ईगल आर्टरी भी एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा नहीं देख सकते डेड बेस है, डेड बेस नहीं है, पूरा एक्टिव बेस के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। और जिस तरह से मैं बारबेरियन किंग छोड़ा और आर्चर किंग को मैंने छोड़ा, वैसे ही आप सब छोड़ सकते हो। क्लैन क्लैश स्टाइल के अंदर जितना अच्छा ट्रूप लेके जाओगे उतना और जल्दी डैमेज होगा। वैसे तो मैं नॉर्मल ट्रूप लेकर चला गया, जहाँ जहाँ देखते जंप के लिए पहले 5 लेकर चला गया, इसलिए क्योंकि वॉल का कोई टेंशन ही नहीं है। अगर फ्री बेस रहेगा तो स्केलेटन बहुत ही तेज़ी से जंप करता हुआ किसी भी चीज़ को डैमेज करता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि स्केलेटन को अगर वॉल रोकेगा तो वो डैमेज नहीं कर पाएगा। जैसा देख सकते हो किस तरीके से जा रहा है स्केलेटन, बहुत ही तेज़ी से किस तरह से हमला कर रहा है, हमला हो रहा है स्केलेटन का, भाई साहब तबाही मचा चुका है। और यहाँ पर जाइंट बम भी एक फूटता है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ साइड से भी देख सकते हो हमारा जो आपका जो होता है राज आपका टाउन हॉल 11 के ऊपर देख सकते हो किस तरह से स्केलेटन हमला कर रहा है, भाई साहब छोटे छोटे से तलवार से हमला कर रहा है। बाकी इधर से देख सकते हो क्लैन क्लैश का डैमेज हो चुका है। और साइड से देख सकते हो फिर से मैंने जंप स्पेल, एक दो जंप स्पेल मिस्टेक से मैंने एक ही जगह दे दिया, क्योंकि सही तरीके से वो नहीं पड़ने की वजह से मुझे एक और जंप स्पेल देना पड़ गया, नहीं तो मैं इस जगह जंप स्पेल डालता तो काफ़ी अच्छा रहता। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अटैक देख सकते हो कितना धासू हो रहा है। जितना हाई लेवल का आपका बारबेरियन किंग आर्चर किंग रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये मैं आपको पहले का गेम प्ले दिखा रहा हूँ, हल्का सा 49 लेवल का आर्चर किंग का दिखा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने लूट किया था। और जितने लोग देखना चाहते हो यार 50 लेवल का यार बारबेरियन किंग भी मैं फटाफट करूँ। और फिर टाउन हॉल 12 कितने लोग चाहते हो मैं टाउन हॉल 11 से टाउन हॉल 12 अपडेट में लगा दूँ, इससे ये बात भी फोन से बताना। ये तो लास्ट में इतने सारा मेरे पास बच चुके हैं आर्चर, वो बच चुकी है विचर बच चुकी है, इसके ऊपर देख सकते लगातार हील हो रहा है, तो कितना तेज़ी से इसने डैमेज कर दिया यार। देख सकते कितना तेज़ी से टाउन हॉल 11 को डैमेज किया है, इतने सारे सैनिक हो जाए, मतलब अनलिमिटेड सैनिक हो जाता है विचर, जैसे ही आप डालते हो अनलिमिटेड सैनिक से अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो विचर ही बहुत ही खतरनाक अटैक है, मैं तो करके सब अटैक आपको दिखाऊँगा। टाउन हॉल 11 में कौन कौन सा अटैक सक्सेसफुल है, टाउन हॉल 11 वर्सेस टाउन हॉल 11 अगर आप सब किसी भी तरह का बेस को करोगे तो इजी वे में कौन सा अटैक सबसे सक्सेसफुल रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनली मैंने देख सकते हो कितना ज़्यादा लूट कर लिया है, अप्रॉक्स यार 11 लाख होने वाला है यार देख सकते हो। और आपका 7-8 लाख लगभग में होने वाला है, आपका क्वाइन होने वाला है। तो इतने सारे लूट आप देख सकते हो, कितना 7,000 डार्क लीजियर, कितना तगड़ा लूट मैंने लूट किया है। तो इस तरीके से देख सकते हो काफ़ी अच्छा डैमेज मिल चुका है और काफ़ी अच्छा तगड़ा अटैक भी हुआ है।
तो अगर आप सबको इसी तरह का अटैक देखना पसंद है, अगर आपको सब बताओ आपका टाउन हॉल कितना लेवल का है, किस लेवल का टाउन हॉल का अटैक देखना चाहते हैं, आप सबको मुझे बताना, कोई जो कि वार में आपसे जिससे नहीं टूटता है, तो आप सब बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना है, मैं फिर तब से गुड बाय एंड थैंक यू।